सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एस हैमर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, एस हैमर में आपका स्वागत है। आज हम जो एक चीज लेके आए हैं वो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सिविल वेपन में 32 की पिस्टल। तो ये पिस्टल है, ये उसका बैग है, काफी अच्छा बैग इसमें साथ मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर यहाँ पे है GSF। GSF का फुल फॉर्म है गन सेल फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्रॉसपोर्ट कोलकाता का ये बना हुआ है। काफ़ी अच्छे केस में ये आपको मिलता है, जैसे हम देख सकते हैं केस काफ़ी सुंदर है। तो ये इसका केस है, केस में छोटी सी लॉक अवेलेबल है, दो पिन है, तो इसको हम ओपन करते हैं। गन इस तरह के केस में आपको मिलता है। अंदर काफ़ी अच्छा मटेरियल में कवर बना हुआ है इसका, वेलवेट क्लोथ में, और काफ़ी अच्छे ब्रैकेट्स बने हुए हैं। इस गन के साथ जो है हमें क्या क्या मिलता है पहले ये हम देख लें। जब ये गन आप ख़रीदोगे तो ये तो मान लीजिए जहाँ से मैंने गन ख़रीदा है प्रताप गन हाउस, वहाँ ये मेरी लाइसेंस बुक है इसके अंदर, तो ये वहाँ की गन है, इसको साइड में करते हैं। इस गन के साथ आपको पहले एक बुक मिलती है जो इसका यूज़र मैनुअल है। इसके अंदर आपको आसानी मार्क टू लिखा हुआ मिलेगा। आसानी नाम है इस गन का, मार्क टू वर्ज़न है, मार्क वन मार्क टू नाम से ये मार्केट में आती है। मार्क वन जो वर्ज़न था उसके अंदर हैमर नहीं होता था और जो इसका स्लाइडर था वो थोड़ा डिफरेंट था, साथ में इसकी जो मैगज़ीन थी वो एग्जैक्ट ऑटोमेटिक नहीं होती थी। मार्क टू में ये दोनों सुविधाएँ स्टार्ट हो गई है। मेजर मैनुअल में इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, इसके अंदर क्या है, कैसे है, पार्ट्स के नेम, सेफ्टी नियम, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। इस गन के साथ आपको एक होल्डर भी मिलेगा जो बेल्ट के लिए भी है और होप वाला भी है, तो ये भी एक आपको के साथ मिलता है। ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से डाला गया है, इसको मैं साइड भी रख देता हूँ। ठीक है, साथ में गन के साफ करने के लिए यहाँ पे ये ब्रश दे रखा है, जो इस तरह से लगा के आप इसको गन को सफाई कर सकते हो। एक्स्ट्रा मैगजीन है, पहले की मैगजीन में ये नहीं हुआ करता था, अब ये मैगजीन है, तो पसंद लगाते हैं। अब बात आती है गन की, तो ये इसकी आसानी पिस्टल की ये गन मॉडल है। ठीक है, सेफ्टी नियम पहले हम चेक करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इसको निकाल देते हैं, गोली नहीं है, चैम्बर चेक करते हैं, तो गोली नहीं है, तो ये सेफ्टी है। अब ये ट्रिगर दबेगा नहीं क्योंकि मैगजीन लगी नहीं है, तो ट्रिगर नहीं दबेगा इसमें। ठीक है, मैं लॉक भी लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास गन है। गन पहले के मॉडल और अब के मॉडल में फ़र्क ये आया है कि गन की ये चीज़ काफ़ी मोटी हो गई है, पहले ये पतली हुआ करती थी, तो मतलब ये ग्रिप ही कारण सिर्फ मोटी है, बाकी इसका कुछ पुरानी मॉडल जैसे ये बस फ़र्क जो सबसे बड़ा आया है वो हैमर का आया है। तो ये हैमर काफ़ी अच्छी है, मैं मैगजीन लगा रहा हूँ, खाली मैगजीन है, इसको नीचे कर देता हूँ। और मैंने तो बहुत ही अच्छी मैगजीन का सिस्टम इन्होंने दे रखा है, पहले ये सुविधा नहीं आती थी, तो ये बहुत अच्छा गेट कर रही है गन। ठीक है, साथ में घोड़ा इसका जो ये सिंगल शॉट के लिए भी है और शॉट कैंसिल करने के लिए भी, तो आप देख सकते हो बहुत ही लाइट है जो पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये लिया और ठीक, इसको जब तक आप ग्रिप को पूरी तरह से पकड़ोगे नहीं प्रॉपर, तब तक ये ट्रिगर दबेगा नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जिसपे 0.32 पिस्टल सेल इन GSF। ठीक है, मॉडल 2018 की है। ठीक है, और दो इसका ये नंबर सीरियल नंबर है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये है। तो जो स्लाइडर पे जो नंबर होता है वही आपके नीचे वाले हिस्से पे भी होता है नंबर, इसलिए कि दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका लॉक है, तो जब ये लॉक क्या होता है, जब घोड़ा चढ़ा देते हैं तब ये लॉक काम करता है, अदरवाइज ये लॉक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर इसको आप जब करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, जब आप घोड़ा चढ़ा दोगे तब ये लॉक कर। ठीक, दूसरा स्लाइडर पे भी ये लॉक किया जा सकता है, यानी आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक है, इसमें आप चैम्बर देख सकते हो बकायदा, ये इसका चैम्बर है। ठीक, ये इसका इजेक्टर पिन है, तो नीचे हमने किया, और ये बैरल का हिस्सा है, इसको ओपन करने के लिए ये हिस्सा दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा, ये गन पहले इस तरह से नहीं कि साफ सुथरी ये गन थी, अब काफ़ी अच्छी सी रिस्पॉन्स कर रही है। मुझे इसका स्लाइडर बहुत अच्छा लगा। ठीक, और
तो ये काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट गन है। इस समय मैंने काफ़ी इसको ट्राई किया, मैंने इसमें काफ़ी फायरिंग भी की है, तो मैं इससे संतुष्ट हूँ इसकी फायरिंग से। ये इसकी गोलियाँ हैं, ठीक है, 3-2 की ये गोलियाँ हैं, ठीक, जो यहाँ से लगती। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में गन्स गोलियाँ अवेलेबल हैं। तो ये गोली है, मैंने 20 गोली इसके साथ ली हुई है, और ये डबल मैगजीन के साथ मिलती है। तो यहाँ से हमने निकाला, ग्रिप काफ़ी अच्छी है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस होगा, ये थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, ठीक है, मगर ठीक है, चलिए इस तरीके से। तो ये पोजीशन है, तो गन 3-2 की ये अनबॉक्सिंग मैंने किया इस वेपन का। कीमत क्या पड़ी है इस गन की? कीमत जो है शॉप स्पेस की कीमत, अलग अलग रेट अवेलेबल है। तो इसका जो रेट मुझे पड़ा है मार्केट में, ये ब्लैक में अगर आप लेते हो तो 1,20,000, 1,15,000, 1,05,000 ऐसे ऐसे रेट हैं। और अगर आप नंबर लगा के लेते हो तो ये आपको 95,000-96,000 के आसपास पड़ती है। तो ये 1,00,000 रुपए की वेपन है जो सिविलियंस को मिलती है, सिविलियंस रख सकते हैं। क्वालिटी कैसी है, चीज़ें कैसी है, इसको आप देख सकते हो। ट्रिगर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, यहाँ पे इसके लोगो लगा हुआ है GSF का, ठीक है, गन सेल फैक्ट्री का लोगो यहाँ पे भी है, इस तरफ भी है। यहाँ पे जब ये पेज खोलोगे तो आप ग्रिप निकाल के दूसरी ग्रिप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन की अवेलेबल है। स्लाइडर को पकड़ने के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ भी इसका एक नंबर लिया हुआ है, ठीक। ये सिल्वर में है, ये 2-3 कलर में आ रही है इस समय, क्रोम में है, एक ये कलर है और एक ब्लैक कलर है। तो इस तरीके से वेपन काफ़ी अच्छी है, होल्डर के अंदर भी काफ़ी बढ़िया से ये फिट होती है। तो ये उसका होल्डर है, ये इसको आपको यहाँ से आराम से इसको कहीं रख सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज, ये अनबॉक्सिंग था आपका 3-2 पिस्टल का। आपको ये पसंद आई हो पिस्टल, तो लाइसेंस पे अगर आपके पास है तो आप इसे ले सकते हो।